इंडिया में पूरी दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी थी उसका नाम वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी नहीं था, उसका नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं था, उनके नाम होते उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इस देश की, इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। आज पूरी दुनिया में एक भी टॉप 10 में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं आती। सो हमारा सपना है कि दिल्ली का कम से कम एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर आना चाहिए। मनीष जी भी कह रहे थे कि वो जब भी एक आइडिया देते जाते हैं तो अगली बार वो इम्प्लीमेंट हुआ मिलता है। तो आज मैं ये चैलेंज मैं ये लक्ष्य कर रही हूँ कि पैसे की कमी नहीं होने। Have a plan, a workable plan, a practical plan, then the present government is willing to go with you. हम चाहते हैं कि हमारे world class institutes हों और ये मेरी conviction है कि ये हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं बाहर भी घूमा हूं, मुझे ये लगता है कि कुछ प्रकृति का खेल है कि इस दुनिया के सारे intelligent लोग भारत में पैदा होते हैं। I think that are the most intelligent race in the world, just that we have the most rotten systems in the world. हमारे best लोग हैं लेकिन worst politicians हैं। हमारे देश को हमारे देश की राजनीति ने खराब किया, इसीलिए राजनीति को ठीक करना जरूरी है। So मेरा ये मानना है कि अब हमारी मौजूदा सरकार, दिल्ली की सरकार, किसी तरह का कोई political interference नहीं करती है किसी भी higher education institute में। So नाउ दिस इज अ चैलेंज। एक्चुअली मैं मनीष को ये कह रहा था कि हमारे अंडर में जितने हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट आते हैं दिल्ली सरकार में, लेट्स थ्रो अ चैलेंज टू ऑल द वाइस चांसलर्स, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ऑल दीज कॉलेजेस